हेलो गाइस, वेलकम बैक टू क्रिप्टो माइनर्स इंडिया। आज की वीडियो सिर्फ और सिर्फ कैस्पा माइनर्स के रिलेटेड है। इनकी प्राइस, इनकी मंथली अर्निंग और इनका मंथली इलेक्ट्रिकल एक्सपेंस, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। और करंटली कैस्पा के कौन कौन से माइनर्स मार्केट में है, मतलब आप ब्रांड न्यू ले सकते हो, आज भी अवेलेबल है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे, जो मेनली ये चार ही माइनर है। तो अभी मैं लाइन से जो है KS0 अल्ट्रा से लेकर KS5 और KS5 प्रो तक मैं सारी उनकी डिटेल्स आपको बताऊंगा इस वीडियो में। और हमारे पर्सनल फेवरेट माइनर्स कौन से हैं वो जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। सबसे पहले शुरू करते हैं KS0 अल्ट्रा। KS0 अल्ट्रा कुछ इस तरीके से दिखता है। KS0 भी ऐसा ही था, KS0 प्रो और उसके बाद जो KS0 अल्ट्रा निकला, सेम सारे के सारे माइनर्स दिखने में सेम ही होते हैं, इस तरीके से दिखते हैं और इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही कम लेते हैं, सबसे साइलेंट माइनर है। और कैस्पा कॉइन्स का एक ही ये जो है होम माइनर, वो ये आता है KS0 अल्ट्रा। आज के टाइम पर इसका पावर कंजम्पशन अगर मैं आपको बताऊं तो ओनली 100 वॉट, सिर्फ 100 वॉट लेता है, बहुत ही साइलेंट माइनर है, इसलिए इसे होम माइनर बोलते हैं। सिर्फ 72 यूनिट्स पर मंथ लेता है। आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो आपके यहाँ पर कितना इलेक्ट्रिकल चार्जेस है पर यूनिट के हिसाब से, तो आप उसे 72 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको पता चलेगा कि आपके इधर अगर आप इसे चलाते हो तो वहां पर आपको कितना इसका पर मंथ बिल आने वाला है इलेक्ट्रिकल। और मैंने जो है सिंप्लीफाई करने के लिए, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए, मैंने 8 रुपीज के हिसाब से मैं आपको इलेक्ट्रिकल बिल के बारे में बताऊंगा इन सारे माइनर्स का, 8 रुपीज के हिसाब से। तो आप अंदाजा लगा सकते हो अगर आपका 8 रुपीज से कम है तो आपका उससे कम बिल आएगा, और अगर 8 रुपीज से ज्यादा है तो आप उसी हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं नंबर्स के साथ। तो KS0 अल्ट्रा जो है वो आज के टाइम पे उसकी पर मंथ अर्निंग है 1500 रुपीज ओनली। तो 1500 रुपए पर मंथ की अर्निंग है, होम माइनर है। इसका मंथली जो इलेक्ट्रिकल एक्सपेंस है 8 रुपीज के हिसाब से 576 रुपीज। तो 576 रुपीज पर मंथ का इसका इलेक्ट्रिकल खर्चा है। 1500 के अप्रोक्स जो है ये कैस्पा आपको माइन करके देता है, 1500 रुपीज वर्थ ऑफ कैस्पा, ठीक है, पर मंथ। इसकी प्राइस जो है वो आज के टाइम पे है 25,000 रुपीज। मैं आपको ये रेकमेंड नहीं करूंगा, मुझे लगता नहीं है कि इसका जल्दी से ROI निकल पाएगा, इसलिए इसकी उतनी खास कुछ डिमांड है नहीं। तो KS0 अल्ट्रा बस आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये माइनर्स भी मार्केट में अवेलेबल है, अगर आपको चाहिए आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। लेट्स मूव टू KS5L। तो KS5L जो है वो 12 TH का माइनर है। आज की डेट में ये पर मंथ 46,000 रुपीज वर्थ ऑफ कैस्पा, ये आपको कैस्पा माइन करके देता है, जिसकी आज की करंट वैल्यू है 46,000 रुपीज। तो आपको 46,000 रुपीज वर्थ ऑफ कैस्पा पर मंथ आज के टाइम पे KS5L माइन कर देता है। इसका अगर मैं आपको पावर कंजम्पशन बताऊं तो अराउंड 2450 यूनिट्स पर मंथ ये कंज्यूम करता है, ये मशीन जो है 2450 यूनिट। और अगर आप उसको 8 से मल्टीप्लाई करते हो, मतलब अगर आपके इधर 8 रुपीज की इलेक्ट्रिसिटी है पर यूनिट, तो आपको अराउंड 19,600 रुपीज का बिल आएगा इलेक्ट्रिकल। तो आप इसका एक्सपेंस जो मंथली है वो अराउंड 19,600 रुपीज है, 8 रुपीज पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी के हिसाब से। इसकी मंथली आज की अर्निंग है 46,000 रुपीज पर मंथ। और इसका अगर मैं आपको प्राइस बताऊं तो आज अगर आप हमारे साथ ये बुक करते हो तो आपको 2,25,000 रुपीज की ये एक मशीन आपको मिलेगी, KS5L 12 TH। तो मैं आपको फिर से एक समराइज कर देता हूँ, 2,25,000 रुपीज की ये मशीन है, आपको 19,600 रुपीज के आसपास इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा इसका पर मंथ 8 रुपीज के हिसाब से, और 46,000 रुपीज पर मंथ की इसकी अर्निंग है आज की करंट अर्निंग। अगर कैस्पा का प्राइस ऊपर जाता है इसकी अर्निंग ऊपर चलेगी, अगर कैस्पा का प्राइस यहाँ से नीचे जाता है तो इसकी अर्निंग 46,000 से नीचे भी हो सकती है। ओके, अब आते हैं KS5M पे। KS5M जो है वो इसका बड़ा भाई आप समझ सकते हो, और ये 15 TH, जैसे ये 12 TH KS5L, ये 15 TH KS5M, दोनों का पावर कंजम्पशन एग्जैक्टली सेम है। तो अराउंड 19,600, आप 20,000 राउंड फिगर पकड़ना है तो इसका पर मंथ का बिल पकड़ लीजिए। उसके अलावा इसकी मंथली अर्निंग अगर हम जानना चाहे तो इसकी पर मंथ की अर्निंग है अराउंड 60,000 रुपीज। तो जैसे ये जो है 46,000 रुपीज अर्न कर रहा था सेम इलेक्ट्रिसिटी बिल में, 19,600 सेम इलेक्ट्रिसिटी बिल इसका आएगा 19,600, लेकिन ये 60,000 रुपीज के इक्विवेलेंट कैस्पा आज के टाइम पे ये अर्न करके दे रहा है। ठीक है, इसका अगर मैं आपको प्राइस बताऊं तो इसका करंट प्राइस है 3,30,000 रुपीज। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि आपको जो है 2,25,000 में जो है 46,000 की अर्निंग मिलती है, और 3,30,000 में 60,000 की अर्निंग मिलती है।
तो आप अपने हिसाब से इसको कैलकुलेशन कीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये प्राइस पर टेरा हैश थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, मतलब इसका हो सकता है फ्यूचर में प्राइस थोड़ा कम हो जाए। अगर प्राइस थोड़ा कम होता है इसका तो ये वर्थ इट थी, लेकिन फिर भी कैसा होता है कि अगर आप मल्टीपल माइनर्स लगाने की सोच रहे हो, मतलब आप एक टेरा हैश का थ्रेशोल्ड हिट करना है, आपको 120 टेरा हैश पे जाना है या ऐसा कुछ करना है, तो आप जब 15 टेरा हैश की मशीन लगाते हो इंस्टेड ऑफ 12 टेरा हैश, तो आपको लॉन्ग रन में मतलब आपके बड़े प्रोजेक्ट में कम माइनर्स लगते हैं, तो कम माइनर्स की वजह से कम इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, अगर आप समझ सकते हो तो। लेकिन फिर भी अगर उस तरीके से भी देखा जाए तो भी सिर्फ 3 टेरा हैश के इसमें फर्क है, 3 टेरा हैश का फर्क है, लेकिन ऑलमोस्ट 1,05,000 रुपीज के आसपास का डिफरेंस है, इसलिए मुझे वर्थ इट नहीं लगता। आप अपने कैलकुलेशंस कर सकते हो। इसका फिर से एक आपको रिकैप दे देता हूं, तो KS5M 15 टेरा हैश 3,30,000 रुपीज आज का इसका प्राइस है, अराउंड 19,600 रुपीज के आसपास इसका इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा अगर आपका है 8 रुपीज पर यूनिट। उसके अलावा 60,000 रुपीज पर मंथ इसकी अर्निंग है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द बिग गन्स। ये है KS5 20 टेरा हैश। तो KS5 में दो मशीन आती है, एक 20 टेरा हैश आती है, 21 टेरा हैश आती है, KS5 एंड KS5 प्रो। तो ये है KS5 20 टेरा हैश। इसका प्राइस सुन के आप शॉक हो जाओगे, मतलब आप इन दोनों से अगर इसके प्राइस कंपेयर करोगे तो आपको लगेगा कि यार ये मशीन कोई क्यों ही लेगा। ये आइस रिवर कंपनी के है बाय द वे, और ये बिटमेन की है, और इनके ये दो कंपनी के बीच में कोल्ड वॉर जो चल रहा था उसकी वजह से इसके प्राइस ऐसे हुए, जिनकी हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन करते हुए एक वीडियो बना दी है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो वो वीडियो को भी। तो इसकी मैं आपको अर्निंग बता देता हूँ, 80,000 रुपीज पर मंथ। इसका मैं आपको पावर कंजम्पशन बता दो, 8 रुपीज के हिसाब से अराउंड 17,280 रुपीज। इनका 19,600 है, 60,000 रुपीज अर्निंग, 46,000 रुपीज अर्निंग, लेकिन ये 80,000 रुपीज अर्न कर रहा है। अब मैं इसका आपको प्राइस बता देता हूँ, अगर आपको KS5 बुक करना है 20 टेरा हैश, तो ये आज अगर आप हमारे साथ बुक करते हो तो आपको 2,80,000 रुपीज ओनली। तो 2,80,000 रुपीज में आपको जो है 80,000 रुपीज पर मंथ की अर्निंग इसमें देखने मिलती है। और सेम अगर सिमिलरली आप कंपेयर करो तो 3,30,000 में आपको 60,000 की अर्निंग मिलती है, 2,25,000 में आपको सिर्फ 46,000 की अर्निंग मिलती है। तो आप अपना कैलकुलेशंस कर सकते हो क्यों ये मशीन ज्यादा बेटर, हमें भी क्यों लगता है कि यही मशीन आज के टाइम पे सबसे बेस्ट है। ऑल्दो इसका पास्ट बहुत खराब है, इसकी जो प्राइस थी जब ये इनिशियली लॉन्च हुई थी ये 30 लाख रुपीज की, 30 लाख रुपए की ये मशीन थी। उस टाइम पे 3.5 लाख रुपीज भी कमाए थे, केस्पा का मार्केट भी अच्छा चल रहा था, डिफिकल्टी भी कम थी। आज डिफिकल्टी भी बढ़ गई है और केस्पा के प्राइसेस धीरे धीरे नीचे हो गए, तो इसलिए इसका जो है अर्निंग ड्रास्टिकली नीचे गिर गई है। लेकिन अगर फ्यूचर में केस्पा के प्राइसेस फिर से ऊपर जाते हैं तो इसकी अर्निंग आपको बढ़ी हुई दिखेगी, और मुझे नहीं लगता कि इसका प्राइस इससे लो हो सकता है, क्योंकि 80,000 कमाने वाला अगर कोई भी आप बिटकॉइन का माइनर लेते हो या दूसरा L7 लाइटकॉइन वगैरह आप लेते हो, लाइटकॉइन डोजकॉइन का, तो आपको किसी भी हालत में ये 2,80,000 में तो नहीं मिलेगा। तो मुझे लगता है कि ये बॉटम लाइन है इसकी प्राइसेस का, लेकिन फिर भी हमें देखना बाकी है। मुझे नहीं लगता इससे नीचे इसका प्राइस जाने वाला है। अगर प्राइसेस बढ़ते हैं, अगर केस्पा का प्राइस बढ़ता है तो इसकी अर्निंग बढ़ेगी, अगर इसकी अर्निंग बढ़ती है तो यहां से प्राइस ऊपर ही जाएगा। तो आज के टाइम में मुझे ऐसा लगता है कि करंटली माइनिंग के इसमें सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट अगर देखा जाए तो नंबर्स वाइज तो ये है, ऑल्दो मार्केट में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ KS5 प्रो, मतलब 20 टेरा हैश है, 21 टेरा हैश का मैं आपको प्राइसेस बताता हूँ। तो 21 टेरा हैश जो है आज के टाइम पे 84,000 रुपीज की अर्निंग करी, जैसे ये 80,000 कर रहा है, एक ही टेरा हैश ऊपर है, पर टेरा हैश ऑलमोस्ट 4,000 रुपए का KS5 आपको माइन करके दे रहा है आज के टाइम पे। ओके, ये जितने भी आपको नंबर्स में बता रहा हूं ये आज के लिए वैलिड है। तो 84,000 रुपीज पर मंथ का KS5 प्रो, इसका प्रो वर्जन जो है वो अर्न कर रहा है। उसके अलावा इसका मंथली जो इलेक्ट्रिकल बिल है वो थोड़ा सा KS5 से ज्यादा है, मतलब KS5 का जो था वो 17,200 था, इसका जो है 18,200 पकड़ लीजिए, मतलब ऑलमोस्ट 1,000 रुपीज आपको एक्स्ट्रा पे करना है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, 4,000 रुपीज एक्स्ट्रा अर्निंग मिल रही है। तो आपको 4,000 एक्स्ट्रा भी अर्निंग मिल रही है, उसमें से 1,000 आपको एक्स्ट्रा पे करना हो इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए, अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी यूनिट 8 रुपीज पर यूनिट है तो। कम है तो कम बिल आएगा, ज्यादा है तो उससे ज्यादा आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा। ओके, अब मैं आपको KS5 प्रो का प्राइस बता देता हूँ। तो KS5 प्रो का जो प्राइस है वो KS5 से 7,000 एक्स्ट्रा है। KS5 20 टेरा हैश 2,80,000 की है, KS5 प्रो 21 टेरा हैश 2,87,000 की। तो आप उसमें कंपेयर कर लीजिए, मैं आपको एक समरी दे देता हूँ। 2,80,000 में KS5 20 टेरा हैश, 2,87,000 में KS5 प्रो 21 टेरा हैश, और जो KS5 20 टेरा हैश है
वो आपको 80,000 पर मंथ अर्न करके दे रही है आज के टाइम पे, और जो 21 टेरा है वो 84,000 अर्न करके दे रही है। तो आप इसमें से कंपेयर कर सकते हो, आपको एक्स्ट्रा 7,000 इन्वेस्ट करना है नहीं करना है जो भी है। तो बेसिकली यही थी कैस्पा माइनर्स की आज की समरी, मतलब ऐसे ही ये करंट इसके मार्केट प्राइसेस है और इसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो आपको कोई भी माइनर इसमें से बाय करना है। आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, स्क्रीन पे नंबर्स हो गए, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो, आप हमें कॉल कर सकते हो, आपको जिस भी माइनर के बारे में जब भी इंक्वायरी चाहिए आप हमें कॉल कीजिए, हमारी टीम के साथ कोऑर्डिनेट कीजिए, अपना माइनर बुक कर सकते हो और हम होम डिलीवरी आपको उसकी दे देंगे ऑल ओवर इंडिया। ओके, तो होपफुली इस वीडियो से आपको कुछ क्लैरिटी मिल गई होगी मार्केट में क्या प्राइसेस चल रहे हैं आज के टाइम पे कैस्पा माइनर्स के, आई सी रिपोर और बिटमेन के। तो आई थिंक दैट्स इट फॉर द वीडियो, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।